केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर से जीएसटी हटाने और मेडिकल बीमा के प्रीमियम को नए टैक्स रिजीम आयकर कानून 80D और 80C में शामिल करने की मांग की है ताकि टैक्स से लोगों को राहत मिले। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में मेडिकल बीमा पर 18% जीएसटी को जनविरोधी बताया है और कहा है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी की जाएगी। मेडिकल बीमा और जीवन बीमा पर 18% की जीएसटी अब राजनीतिक मुद्दे का रूप लेती जा रही है। गडकरी ने जब लिखा तो लोग बताने लग गए कि बजट पेश होने के बाद सरकार के भीतर से किसी मंत्री की तरफ से ये पहली आवाज उठी है। लोग तो इसके राजनीतिक मतलब भी निकालने लग गए कि 240 सीटें आने पर बीजेपी के भीतर बगावत हो रही है, लेकिन केवल वो एक रूटीन पत्र साबित हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा है। पत्र लिखकर नितिन गडकरी ने कुछ भी खास नहीं किया। रूटीन प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र का बीमा संगठन की बात को फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ बढ़ा दिया, हेडलाइन में छा गए, उसके बाद गायब हो गए। इससे इतना तो जरूर हुआ, ये मुद्दा तहखाने से बाहर आ गया। आम आदमी, खासकर वरिष्ठ नागरिक, इस प्रीमियम से काफी परेशान है। 18% जीएसटी के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स दरें दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। वरिष्ठ नागरिक को 1 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए औसतन 12,000 से 15,000 रुपए चुकाना पड़ते हैं। इसी साल जनवरी में कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्टर से चिट्ठी लिखकर मांग की कि स्वास्थ्य बीमा अधिक लोग खरीद पाए, समाज में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े, इसलिए प्रीमियम के ऊपर 18% से जीएसटी घटा दी जाए, 5% तक का ले आए। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम लगभग 2 गुना हो गया है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। पॉलिसी रिन्यूअल भी औसतन 65 से 75% तक का है, जिससे पता चल रहा है कि सामान्य बीमा धारक लगातार बढ़ोतरी के चलते प्रीमियम नहीं चुका पा रहे हैं। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने प्रीमियम का मुद्दा She, उठाया। like many other professionals living in our cities in India, she has to pay medical insurance premium every year. So what kind of a travesty is it that this government charges 18% GST on insurance payments? That for getting the basic right of health care that you pay premium for, you're charging 18% GST on that. लेकिन खबर चल गई कि गडकरी ने पत्र लिखा है। लगता है इस खबर में बीमा धारकों को जीएसटी से होने वाली परेशानी कम चिंता थी। गडकरी के लिखने में सियासी मसला ज्यादा दिख गया। गडकरी ने भी पत्र लिखने के बाद कुछ किया तो नहीं, बस चिट्ठी आगे बढ़ा दी और हेडलाइन में छा गए। इस प्रक्रिया को भी दर्शकों को समझना चाहिए। विपक्ष संसद सदन में और बाहर इसकी मांग कर रहे हैं। आपने साकेत गोखले बयान को उसी प्रमुखता से छपा हुआ देखा जिस प्रमुखता से गडकरी के पत्र के बारे में देखा। आपकी कमाई तो बढ़ती नहीं है, लेकिन टैक्स कब कहां से आपके गुब्बारे को खींच कर ले आता है पता नहीं चलता। जीएसटी को लेकर छपने वाली खबरों को देखिए। आयकर के अलावा इस टैक्स ने भी मिडिल क्लास से लेकर गरीबों की जेब में छेद कर दिया है। जनवरी 2023 में न्यू इंडिया एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट है कि 50% गरीब लोग 2/3 जीएसटी भर रहे हैं। कुल जीएसटी का 64% गरीब तबके से आता है और भारत के 10% अमीरों से केवल 3 से 4% जीएसटी आता है। मिडिल क्लास का हिस्सा 40%, जबकि हाल ही में सरकार ने दावा किया था जीएसटी से गरीबों को फायदा हो रहा है, घरेलू चीजें सस्ती हुई है, उनकी बचत बढ़ रही है, मगर आंकड़े तो ये कहते हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा बचत में कमी आई है। ये बताने का मकसद है कि जीएसटी कब कहां से आपकी जेब में छेद करती है आपको पता चलना चाहिए। ऊपर से आयकर तो भर भर के दे रहे हैं उन पुलों को बनाने के लिए जो पहली ही बारिश में बह जाते हैं और संसद की इमारतें चूने लग जाती है। लोगों की हालत यह है कि बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 18% की जीएसटी से प्रीमियम महंगा होता जा रहा है। जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स लगता था, पहले 5% था, फिर उसे घटाकर 3% किया गया, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने सर्विस टैक्स को 14% कर दिया और 2017 में जीएसटी आई तो 18% कर दिया। जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा उस वक्त। इतने साल गुजरने के बाद पब्लिक को अब याद आया, इसका विरोध करना है, बोलना है। इस खबर को आप एक लाइन में भी समझ सकते थे कि गडकरी और ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर जीएसटी का विरोध किया, लेकिन एक लाइन की खबर से आप कुछ भी नहीं जान पाते।
पता नहीं चल पाता कि इसे लेकर कितने लंबे समय से मांग की जा रही है और लोगों के बीच क्या असर हो रहा है। जैसे इस बार भी फाइनेंस मिनिस्टर को लिखने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, वैसे इसी तरह की मांगों और मुलाकातों के बाद भी कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन जो लोग मेडिकल और जीवन बीमा पर 18% प्रीमियम दे रहे हैं, उनसे पूछिए उन पर क्या बीत रही है। आज भी भारत की 73% आबादी के पास बीमा नहीं है। अगर बीमा इस तरह से महंगा होता जाएगा तो आम आदमी अपने जीवन की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाएगा। मिंट अखबार में सुमित बोरा की रिपोर्ट है, इस साल 27 जून को छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगाई की दर 14% है, जो बहुत अधिक है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा से GST हटाने या कम करने से लोगों को राहत मिल सकती है। लोग फिर से बीमा को रिन्यूअल करने लग जाएंगे। इस महंगाई के कारण बीमा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ही लोग एक से अधिक बीमा खरीद रहे हैं और 70% आबादी के पास बीमा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2024 भारत में स्वास्थ्य बीमा का सालाना प्रीमियम 1 ट्रिलियन रुपए को पार कर गया। भारत में ये 20.2% की दर से बढ़ रहा है। G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ता बीमा बाजार है भारत का। इसके बाद भी 73% आबादी बीमा की पहुंच से दूर है। प्राइवेट बीमा कंपनी ने भी 18% GST का विरोध किया है, GST कम करने की मांग की है। तमाम खबरें आपको मिल जाएगी। उन्हें भी दिख रहा है कि जो क्लास थोड़े अधिक प्रीमियम पर उनका बीमा खरीद सकते हैं, वो 18% GST के कारण खींचे खींचे महसूस करता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अक्सर इसे GST काउंसिल पर थोप देती हैं। अप्रैल 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे लेकर एक लिखित जवाब दिया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद को बताया कि स्वास्थ्य बीमा पर 18% GST दर को कम करने का प्रस्ताव GST परिषद के सामने रखा गया, लेकिन परिषद ने इसकी सिफारिश नहीं की। 22 दिसंबर 2018 को परिषद की 31वीं बैठक में और 30 सितंबर 2019 को परिषद की 37वीं बैठक में उससे जुड़े प्रस्ताव रखे गए, लेकिन परिषद ने GST कम करने की सिफारिश नहीं की। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग और भिन्न रूप से सक्षम लोग के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा नीति, निर्मया स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सभी को GST में पूरी छूट दी गई है। इन पर कोई GST नहीं लगता। लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं हुआ कि आयुष्मान से लेकर निर्मया और जन आरोग्य बीमा गिना दीजिए कि इस पर GST नहीं है। सवाल उन लोगों का है जो बाहर बाजार से बीमा खरीदते हैं और प्रीमियम पर 18% GST देने के लिए बाध्य है। उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है। भारतीय बीमा भी जमकर GST का भुगतान करती है सरकार को, और ये GST आपकी जेब से जाती है। LIC की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट को देखिए तो सालाना 2000 करोड़ से अधिक की रकम GST में चुका रहा है बीमा पॉलिसी। 10,000 का प्रीमियम है तो उसमें करीब 1,000 रुपये GST है। बीमा का संबंध सामाजिक सुरक्षा से है, इस पर GST कैसे लग सकती है? अब तो हवा पर भी लगा दीजिए। एक एजेंट ने हमें बताया कि अगर आप 30 साल के लिए 25 लाख का टर्म बीमा लेते हैं तो अनुमानित रूप से प्रीमियम 8,257 18% GST जोड़ दीजिए तो ये बढ़कर 9,765 रुपये हो जाएगा। इस तरह 30 साल में आप सरकार को 44,000 GST देते हैं केवल एक प्रीमियम पर। अगर GST नहीं होती तो हो सकता है कि आप 25 लाख की जगह 35 लाख का बीमा ले सकते थे। तो GST की वजह से लोग कम का बीमा कवर ले रहे हैं। ये सब अनुमानित राशि है, इससे सरकार को कमाई तो हो रही है लेकिन सबको सामाजिक सुरक्षा देने का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। और जो लोग खरीद रहे हैं टर्म इंश्योरेंस, वो भी कम सुरक्षा का कवर ले रहे हैं। जो खरीद सकते हैं उससे तरह तरह से आप वसूले जा रहे हैं। इससे साफ है कि बीमा धारक परेशान है, केवल वरिष्ठ नागरिक ही नहीं नौजवान भी। उनके लिए तो EMI भी महंगी है, प्रीमियम महंगा है, टैक्स तो जमा कर ही रहे हैं। गनीमत है राष्ट्रीयवाद और धर्म की आंधी राजनीति में चल रही है, वरना इस मिडिल क्लास का टाइम ही नहीं कटता और हर समय इसका दुख दिखता रहता। धर्म की राजनीति ने इनको उलझाया रखा। अभी जरा बहुत उतरा ही तो ये सब दिखा जा रहा है कि मिडिल क्लास पर टैक्स की मार पड़ रही है, मगर ये मार तो पिछले 10 साल से पड़ रही है। कहाँ गई वो खुशी के हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल भरवा लेंगे मगर कुछ नहीं कहेंगे? अगर टैक्स से दर्द बढ़ गया तो मेरी एक राय, मिडिल क्लास को सरकार से एक मांग करनी चाहिए कि GST खूब बढ़ाइए, 36% कीजिए, मगर हमें धार्मिक मुद्दे दीजिए,
नफरत के मुद्दों की सप्लाई कीजिए ताकि हमारा नशा जो उतरा है फिर से चढ़ने लगे। जब तक आप राजनीति में धर्म के मुद्दों को लाते रहेंगे, नफरत की राजनीति में अपने आप को झोंकते रहेंगे, तब तक आपकी जेब कितना भी पैसा कट जाए, मैं गारंटी देता हूँ आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ही नहीं बचेगी तो पता कैसे चलेगा। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस।